माता सुमति ने सूर्य देव को उदित होने से रोक दिया था, जिससे संपूर्ण सृष्टि जड़वत हो गई थी। जब देवराज के द्वारा निरंतर निवेदन करने पर भी माता ने उनकी एक न सुनी, तब निराश हताश होकर देवराज त्रिदेव के पास गए और उनसे इस समस्या का समाधान करने की विनती की। फिर क्या हुआ माँ? वो त्रिदेव जो सभी में सर्वोच्च है, जो अनंत है, अनादि हैं, उन्हें भी माता के समक्ष समर्पण करना पड़ा और वो याचकों के समान देवी सुमति के द्वार पर गुहार लगाने लगे। हे देवी, हम त्रिदेव आपके द्वार पर आए हैं, हमें अपने दर्शन दीजिए देवी। त्रिदेव यहाँ? देवी, सृष्टि के संकट को दूर करने हेतु हम स्वयं आपके पास आए हैं, इसीलिए आपसे निवेदन है, हमें दर्शन दीजिए। इतनी वर्षों के कठोर तप के बाद भी प्रभु मेरे सामने नहीं आए, मुझे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए, और इस नारी ने ऐसा कौन सा महान कार्य किया है जो त्रिदेव इसके द्वार पर गुहार लगा रहे हैं और ये उनकी गुहार को भी नकार रही है। प्रभु, प्रणाम त्रिदेव। अहो भाग्य मेरे जो आप त्रिदेव ने मुझे दर्शन देने की कृपा की, ज्ञात नहीं ये मेरे कौन से पुण्य के फल है। अपने पति के प्रति आपकी निष्ठा, उनके प्रति आपका अटूट प्रेम और आपका दृढ़ संकल्प ही आपका परम पुण्य है देवी। अरे भीतर मेरी जो विषय है, मेरी ये दुर्दशा उसी के कारण है। मैंने कहा अपनी गति बढ़ाओ, वहां नृत्य आरंभ होता ही होगा। यदि ऐसा है प्रभु तो मुझे आशीष दीजिए। आयुष्मती भवति। मुझे आयुष्मती होने का नहीं, मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दीजिए। कितने अनुचित व्यवहार किए मैंने इसके साथ, किंतु ये फिर भी मेरे ही जीवन रक्षा का आशीष मांग रही है। मुझे ज्ञात है आप तीनों भी देवराज के समान मुझे अपनी सौगंत लौटाने का आदेश देने आए हैं। नहीं देवी, ये हमारा आदेश नहीं, ये आपसे अनुरोध है। हाँ देवी, सूर्यदेव को अपनी सौगंत के बंधन से मुक्त कीजिए और सृष्टि को महासंकट से बचाइए। अवश्य करूंगी प्रभु, किंतु उसके पहले आप ऋषि मांधव को मेरे पति को दिया उनका श्राप लौटाने को कहिए। नहीं कह सकते ना प्रभु, क्योंकि उन्होंने तब से श्राप की शक्ति अर्जित की है, तो मैंने भी पतिव्रत की शक्ति प्राप्त की है और मैं अपने पति की मृत्यु कदापि नहीं स्वीकार करूंगी। ये चाहती तो त्रिदेव की बात स्वीकार कर अपने लिए कुछ भी मांग सकती थी, किंतु इसने मेरे लिए उस अवसर को भी गवा दिया। तो क्या आप अपने पति के लिए संपूर्ण संसार को महासंकट में डाल देंगी देवी? मेरे संसार तो मेरे पति है प्रभु, अच्छे या बुरे वही मेरे सर्वस्व है भोलेनाथ। किंतु यदि आप चाहते हैं कि सूर्योदय हो तो मुझे वचन दीजिए, आश्वस्त कीजिए मुझे कि सूर्योदय होने पर मेरे पति की मृत्यु नहीं होगी। क्षमा करें देवी, ये तो हम भी नहीं कर सकते। किसी तपस्वी ऋषि के शाप को बदलने की शक्ति और अधिकार तो हम त्रिदेवों के पास भी नहीं है। और आपको एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायण स्त्री से अपने पति को जीवन के रक्षित करने के अधिकार से वंचित करने का अधिकार है। नहीं प्रभु,
आप मुझे क्षमा कीजिए। जिस प्रकार आप असमर्थ हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। आप अपनी मर्यादा से बंधे हैं, तो मैं अपने धर्म से। मैं भी अपने पति धन परायणता से कदापि नहीं डिगने वाली। मुझे क्षमा कर दीजिए त्रिदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अत्यंत लज्जित हूँ, जिसको मैंने कष्टों के सिवा कुछ नहीं दिया, उसने मेरे जीवन की रक्षा के लिए त्रिदेवों को भी लौटा दिया। जब स्वयं त्रिदेव ही उन्हें मनाने में असमर्थ रहे, तो समस्त संसार सूर्योदय के बिना ही अस्त की ओर बढ़ता रहा। तो फिर विनाश की ओर बढ़ती सृष्टि की रक्षा किसने की माँ? ये एक धर्मनिष्ठ कर्तव्य परायणा साध्वी का प्रभाव था, और उस प्रभाव से मुक्त कराना और एक अन्य साध्वी द्वारा ही संभव था। यही विचार लेकर त्रिदेव भी देवी अनुसुईया के पास गए थे, जिन्होंने अपने पति धर्म और तपोबल की शक्ति से लोहे के चने को भी पका दिया था। उनका तपोबल इतना महान था कि उन्होंने त्रिदेवों को भी शिशुओं में बदल दिया था। फिर हम त्रिदेवियों के अनुरोध पर उन्हें उनका स्वाभाविक रूप लेने दिया। तब त्रिदेवों ने उन्हें वरदान दिया कि वो उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे, और शीघ्र देवी अनुसुईया चंद्रदेव के रूप में प्रभु ब्रह्मदेव की, ऋषि दुर्वासा के रूप में प्रभु महादेव की माता बनेंगी। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं प्रभु दत्तात्रेय के रूप में उनके पुत्र बनेंगे। तो क्या माता अनुसुईया के कहने पर माता सुमति मान गई? देवी सुमति, सूर्यदेव के किरणों से उनकी ऊर्जा से सृष्टि को जीवन मिलता है। यदि शीघ्र सूर्योदय नहीं हुआ तो संपूर्ण सृष्टि का ही अंत होगा, कोई शेष नहीं रहेगा। प्रलय का भय नहीं है मुझे माता, यदि उसे आना है तो वो भी आ जाए, किंतु मैं अपने पति के मृत्यु को उनके निकट नहीं आने दूंगी। किंतु देवी, मैं मृत्यु तो नहीं चाहता, किंतु मेरे बुरे कर्मों का फल कदाचित मृत्यु ही है। तो मेरे सुकर्मों का लाभ कब होगा स्वामी, जो मैंने आपकी सेवा करके एकत्रित किए हैं? मेरे सुकर्म आपको कुछ नहीं होने देंगे, मुझ पर विश्वास रखिए। ना मैं अपना सुहाग खोऊंगी और ना आप अपना जीवन। आप तो पुनः स्वस्थ होंगे, तब मैं आपको उस नृत्यांगना के पास ले जाऊंगी, जहां आप पुनः उसके साथ का आनंद ले सके। मुझे और लज्जित मत करो सुमति, मैं अन्य किसी का साथ नहीं, केवल तुम्हारा साथ चाहता हूं। तुम्हें सभी सुख देना चाहता हूं, अपने बुरे आचरण का प्रायश्चित करना चाहता हूं। एक कर्तव्य परायण नारी का मन कोई और समझे ना समझे, एक धर्मनिष्ठ नारी अवश्य समझेंगी। मैं तुम्हारे मन का भाव समझती हूँ और वचन देती हूँ कि मेरे रहते हुए तुम्हारे पति की कोई हानि नहीं होगी। जिस प्रकार तुमने अपने पति के प्रति कर्तव्य निष्ठा से सूर्यदेव को रोका, उसी प्रकार मैं भी अपने पति धर्म के तपोबल से तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा करूँगी। किंतु इस सृष्टि में अन्य अनेक पति धर्म परायणा स्त्रियाँ भी हैं, जो सूर्यदेव के उदित ना होने से संकट में हैं। तुम उनसे उनके पति का जीवन तो नहीं छीन सकती ना? मेरा विश्वास करो, सूर्य देव को अपने सौगंध के बंधन से मुक्त कर दो। देवी अनुसुईया, मुझे पूर्ण विश्वास है, आप मेरे पति को कुछ मत होने दीजिएगा। हे सूर्य देव, मैं आपको अपनी सौगंध से मुक्त करती हूँ। आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं, आप उदित हो सकते हैं।
यमराज का आगमन हो रहा है, आगमन, यमराज का आगमन हो रहा है, यमराज, यमराज का आगमन हो रहा है। मैंने जो वचन दिया वो भंग नहीं होगा देवी सुमति, आपके पति को कुछ नहीं होगा। जाओ दूत, उग्र शवस का समय आ गया है, उसके आश्रम में जाके उसके प्राण ले आओ। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां यमराज के यमदूत न जा सके। अब मैं पुनः प्रयास करूंगा। मैं भी तो देखूं ये कैसी बाधा है जिसने मेरे दूत को आगे बढ़ने से रोक दिया। कैसे संभव है? मुझे तो अपना कर्तव्य भी निभाना है। प्रभु, प्रणाम त्रिदेव। प्रभु, ये कैसा कवच है जिसे मैं भी भेद नहीं पा रहा हूँ? यमदेव, ये प्रायणता साध्वी देवी अनुसूया के संकल्प से निर्मित रक्षा कवच है। किंतु प्रभु, ऋषि मांधव के श्राप के अनुसार मुझे उग्र श्रवस की आत्मा को यमलोक ले जाना है। प्रभु, कितने वर्षों तक मैंने कठिन तपस्या की, उसकी तपोशक्ति और उस तपोशक्ति से दिया गया श्राप, क्या उसका कोई मूल्य नहीं? यमदेव, जब एक पति धर्म परायण साध्वी के वचन के विरुद्ध सूर्यदेव उदित नहीं हो सके, तो आप एक अन्य पति धर्म परायण साध्वी द्वारा रचित सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकते हैं? हाँ, मैं देवी सुमति के पति का कोई हानि नहीं होने दूंगी। प्रभु, प्रभु, अब तो ये विचित्र धर्म संकट है। अब आप तीनों ही कोई उपाय सुझाइए जिससे ऋषि मांधव का श्राप भी व्यर्थ ना हो और प्रभु मैं भी अपना कर्तव्य पूर्ण कर सकूं और माता अनुसूया का वचन भी भंग ना हो। उपाय है, हे देवी, ऋषिवर के श्राप को निरर्थक मत होने दीजिए। यम देव को उग्र शवस के प्राण लेने दीजिए। नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। और रहा प्रश्न आपके वचन की मर्यादा का, तो जब आप लोहे के चनों में प्राण फूंक सकती हैं, तो भला आपके लिए क्या असंभव होगा? मैं आपका आशय समझ गई हूं। धन्यवाद प्रभु। आपने ये क्या किया देवी? वचन दिया था आपने कि आप मेरे पति को कुछ नहीं होने देंगी, फिर आपने क्यों अपना सुरक्षा कवच हटा लिया?
स्वामी 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 मैंने जो वचन दिया था वो भंग नहीं होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे पति को अवश्य लौटाऊंगी देवी सुनी। मुझे क्षमा कर दो सुमति, मुझे क्षमा कर दीजिए माता। आपकी कृपा से मैं पुनः स्वस्थ भी हो गया माता, आपको कोटि कोटि नमन। ना ये मेरी कृपा है ना ये मेरा चमत्कार, ये तो मात्र और मात्र आपकी पत्नी सुमति के कर्तव्य निष्ठा का प्रभाव है जो उसने अपनी कर्तव्य परायणता से प्राप्त किया है। मैं तो तुमसे दृष्टि मिलाने के योग्य भी नहीं, तुमसे क्षमा कैसे मांगू? प्रत्येक दुर्व्यवहार के बदले तुमने मुझे प्रेम दिया, मेरे क्रोध के बदले तुमने मुझे सेवा दी, मेरे प्राणों के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ गई, देव त्रिदेव सबके सामने अड़ी रही। ज्ञात नहीं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य किए थे जो इस जन्म में मुझे पत्नी रूप में तुम मिली। मुझे क्षमा कर दो, अब अपने शेष जीवन में मुझसे कभी भूल नहीं होगी। नहीं नहीं स्वामी, क्या कर रहे हैं आप? भोर का भटका संध्या को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपको अपनी भूल समझ आई, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। मुझे आपसे किसी क्षमा याचना की आवश्यकता नहीं। देवी बाहर सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रणाम त्रिदेव, मैंने उस समय आपकी आज्ञा नहीं मानी, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिए। देवी सुमति, आपने तो ये प्रमाणित कर दिया कि एक पति धर्म परायण नारी यदि चाहे तो विधि का विधान पलट सकती है, इसलिए पति धर्म परायण नारी के विरुद्ध जाना संकट का संकेत है। मेरी बुद्धि में, मेरी दृष्टि में ये कैसा दोष था कि सुमति के निकट होते हुए भी मैं उसे उचित सम्मान नहीं दे पाया। आपने अपनी भूल स्वीकार कर देवी सुमति को सम्मान दिया और इसीलिए आपका रोग भी दूर हो गया। आप अपना यही आचरण बनाए रखिएगा। और आज मैं अनुसुईया ये घोषणा करती हूँ कि जो भी पति अपनी पत्नी के महत्व को, उसके त्याग को ना समझकर उसका अपमान करेगा वो दुर्भाग्य का भागी बनेगा, क्योंकि पत्नी ही धन ज्ञान समृद्धि का प्रतीक है। जो अपनी पत्नी को नकारेगा वो इन तीनों को भी नकार देगा। और इस प्रकार देवी सुमति ने ये प्रमाणित कर दिया कि धर्मनिष्ठ स्त्री यमराज को भी रोक सकती है। उनका दृढ़ निश्चय त्रिदेव भी नहीं पलट सकते। और इस कथा से हमें ये भी सीख मिलती है कि निष्ठा विश्वास प्रेम समर्पण से किया गया कोई भी कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, और जो योग्य होते हैं
वो अपने आत्मबल से अपना भाग्य स्वयं निर्धारित करते हैं। जिन देवी सुमति के कर्तव्य परायणता के भाव के प्रभाव से उनके पति की अकाल मृत्यु टल गई, उनके दर्शन से तो अपार सुख प्राप्त होगा। तब शुभ कार्य में विलंब कैसा पुत्र गणेश, हम उनके आश्रम के बाहर पहुँच चुके हैं। माँ, वो त्रिदेवों के पुकारने पर बाहर नहीं आई तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे पुकारने पर भी आएंगी, क्योंकि वो तो अपने पति उग्र श्रवस की सेवा में व्यस्त होंगी। स्वामी, विश्राम करिए। दिन का अंत हो चुका है, आप भी विश्राम कर लीजिए। नहीं स्वामी, जब तक आप गहरी निद्रा में लीन नहीं होते मैं आपकी सेवा करती रहूंगी। माँ, मैं उन्हें बुलाने का प्रयास करूं? अवश्य पुत्र, इससे हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण का एक और उदाहरण मिलेगा। माता सुमति, मैं गौरी नंदन और लक्ष्मी पुत्र गणेश आपके आशीर्वाद के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ। मेरे साथ माँ लक्ष्मी भी हैं। कृपया हमें भीतर आने की अनुमति दीजिए। स्वयं गौरी पुत्र और लक्ष्मी पुत्र गणेश आए हैं यहाँ। मैं उनके दर्शन के लिए लालायित हूँ, किंतु स्वामी की सेवा छोड़कर कैसे जाऊँ? मैंने तो उन्हें वचन दिया है, जब तक वो गहरी निद्रा में लीन नहीं हो जाते मैं इसी प्रकार उनकी सेवा करूँगी। माँ, मैंने कहा था ना, उनकी अपने पति के प्रति निष्ठा इतनी दृढ़ है कि वो ऐसे ही नहीं आएंगी। क्या ऐसा कोई उपाय नहीं जिससे मैं बिना स्वामी की निद्रा में बाधा डाले गजानन के दर्शन सुख का लाभ उठा सकूं? क्षमा कीजिए प्रभु, मैं उठकर आपको प्रणाम नहीं कर सकती क्योंकि स्वामी अभी निद्रा मग्न हुए हैं और मैं उठी तो उनकी निद्रा टूट जाएगी। कितना अच्छा होता यदि मैं उचित प्रकार से आपका स्वागत कर पाती, आपके चरण पखारती, आपको आश्रम में आसन प्रदान करती। आपने उचित ही कहा था माँ, माता जब अपने स्वामी की सेवा में लीन है तभी उनको पुकारने से हमें उनके कर्तव्यनिष्ठ आचरण की शक्ति का ज्ञान होगा। आओ पुत्र। स्वामी गहरी निद्रा में चले गए तो अब मैं माता लक्ष्मी और गणेश जी के दर्शन कर सकती हूँ। प्रणाम 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 देवी सुमति,
क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना माता, मैं आपके आगमन पर आपका उचित स्वागत नहीं कर सकी। नहीं माता, आपकी पति धर्म निष्ठा का परिचय पाकर तो हम भी धन्य हो गए, वही हमारा उचित स्वागत था। मुझे आज्ञा दीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। माता लक्ष्मी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? देवी सुमति, हम सेवा के लिए नहीं, आपके हल्दी कुमकुम सत्कार के लिए आए हैं। यदि आपकी अनुमति हो तो माता, मैं आपके अनुरोध को तो आदेश मानती हूँ। आपकी किसी बात को कैसे अस्वीकार कर सकती हूँ? आप मेरा सत्कार करें, ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। धन्यवाद माता। गणेश, धन्यवाद माता। देवी सुमति, अब हमें आज्ञा दीजिए। नहीं नहीं, मैं आपको इस प्रकार यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकती। किंतु माता, माँ का प्रण तो तभी संपन्न होगा जब हम माता सावित्री के पास जाकर उनका भी सत्कार करें। हमें अनुमति देने की कृपा कीजिए। उचित है, किंतु ये तो आप भी भली भांति जानती हैं कि यहाँ मेरे अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जिन्होंने सूर्य देव तक को रोक दिया, वो चाहे तो हमें भी रोक सकती हैं। फिर माता सुमति को कैसे मनाएं? माता हमें अकारण तो नहीं रोकेंगी, फिर हमें जाने की अनुमति नहीं देने का क्या कारण हो सकता है? आपके मुख के भाव मैं समझ सकती हूँ, जाने की अनुमति दूंगी अवश्य दूंगी, किंतु जब तक मैं अपने हाथों से गौरी नंदन और आपके पुत्र प्रभु गणेश को भोजन नहीं करा लेती माता लक्ष्मी, तब तक मुझे संतोष नहीं मिलने वाला। उचित है देवी। हाँ माता, इतनी लंबी यात्रा के बाद भूख तो लग गई है। ये लीजिए गणेश जी, ये भी खाइए। वाह माता, आनंद आ गया। भोजन तो बहुत स्वादिष्ट था। भूख मिट गई पर मन नहीं भरा, किंतु अब तो जाना भी है ना। हमें आज्ञा दे। प्रणाम माता, प्रणाम देवी सुमति, प्रणाम गणेश जी। तुम्हें तो यहाँ आकर दो दो लाभ हो गए पुत्र, देवी सुमति के दर्शन भी मिले और भरपेट भोजन भी। हाँ माँ, भोजन से तो पेट भर गया, किंतु किंतु क्या पुत्र? किंतु मन नहीं भरा। क्यों? भोजन इतना स्वादिष्ट था। भोजन तो स्वादिष्ट था ही माँ, उससे मेरा पेट तो भर गया परंतु मन नहीं भरा। मन तो धर्मनिष्ठ साध्वियों की कथाओं को सुनकर ही भरेगा, तो मुझे माता सावित्री की कथा सुनाइए ना माँ। चिंता मत करो पुत्र, हम शाल्वे देश में स्थित माता सावित्री के राजभवन की ओर ही बढ़ रहे हैं। राजभवन माँ? उनका निवास आश्रम में नहीं, वो तो एक साध्वी है ना? हाँ पुत्र, अपने धर्म
और कर्म से ही उनकी गिनती श्रेष्ठ साध्वियों में होती है, क्योंकि देवी सावित्री तो एक राजपुत्री थी और अब एक राज्य की रानी है। किंतु पुत्र, इतनी सरलता से उन्हें राजभवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ था। देवी अरुंधति के पास उनकी धर्मनिष्ठा के साथ प्रेम की अद्भुत शक्ति थी और देवी सुमति के पास उनके पति के प्रति कर्तव्य बोध और दृढ़ निश्चय की अद्भुत शक्ति थी, और देवी सावित्री के व्यक्तित्व में तो ये दोनों ही गुण समाहित थे। ऐसा आत्मविश्वास था उनमें कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। उन्होंने तो वो कर दिया जो किसी के लिए संभव नहीं। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। आप मेरे पति की आत्मा को नहीं ले जा सकते यमराज। नहीं, नहीं। पुत्र, देवी सावित्री का तो ऐसा आत्मविश्वास था कि उनके सामने तो यमराज को भी झुकना पड़ा और उनके पति के प्राण लौटाने पड़े। यमदेव को लौटाकर उन्होंने नियति को ही पलट दिया। माता सावित्री की कथा तो रोचक भी है और प्रेरक भी। माँ, मुझे उनकी पूरी कथा सुनाने की कृपा कीजिए ना। अनेक वर्षों पहले मद्र देश में महाराज अश्वपति अपनी पत्नी रानी मालवी के साथ राज करती थी। सुख समृद्धि की तो उन्हें कोई कमी नहीं थी, किंतु उन्हें एक बहुत बड़ा दुख था। संतान ना होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी जो नहीं था। जय मातेश्वरी। जय मातेश्वरी। महाराज अश्वपति, महारानी मालवी, मैं आपके अनुष्ठान से प्रसन्न। आपको संतान की प्राप्ति अवश्य हो, किंतु आप पुत्र के नहीं, एक पुत्री के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आपका राजभवन पुत्री की किलकारियों से गूंज उठेगा। पुत्र हो या पुत्री माँ, आपकी कृपा हमें हर रूप में स्वीकार है। वृद्धावस्था का संबल हो, यही सोचकर हम पुत्र की कामना कर रहे थे, किंतु पुत्री वो तो स्वयं एक शक्ति है और वो हमें भी शक्ति प्रदान करेगी। जो नारी की शक्ति को समझते, उसका सम्मान करते हैं, उन्हें नियति कभी निराश नहीं करती। संतान पुत्र या पुत्री गुणवान होना चाहिए, तभी माता पिता को सुख मिलता है। इसीलिए मैं आपको आशीष देती हूँ। असाधारण तेजस्विनी होगी आपकी पुत्री, जिसमें देवी सरस्वती के समान ज्ञान होगा, देवी दुर्गा का साहस और पराक्रम होगा, और देवी माता लक्ष्मी के समान समृद्धि, जो अपने सत्कर्मों से आपके कुल की कीर्ति उज्जवल करेगी, आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाएगी। और मात्र राजा रानी ही नहीं, अपितु देवर्षि नारद भी उनकी पुत्री के जन्म की प्रतीक्षा में थे। और जब वो शुभ घड़ी आई तो देवर्षि उस नवजात कन्या के दर्शन करने पहुंच गए। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। ऐसी असाधारण तेजस्विनी का नामकरण तो मेरे द्वारा संभव नहीं है, आप ही इसे नाम देने की कृपा करें। ये कन्या आप दोनों के लिए माता के आशीष समान है, तो क्यों ना माता के नाम से ही इसका नामकरण किया जाए। राजन, सरस्वती, विद्या, गायत्री, सावित्री, सभी माता के श्रेष्ठ नाम हैं। इसमें से कोई सावित्री। नारायण नारायण, यही श्रेष्ठतम नाम होगा इस कन्या के लिए। सावित्री 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 सावित्री। और इस प्रकार देवर्षि के सुझाव पर
उनका नाम सावित्री पड़ा। बाल्यकाल से ही त्रिदेवियों के गुण माता सावित्री में थे ही। अपने माता पिता के समान भक्ति भाव उनमें कूट कूट कर भरा था। बाल्यावस्था से ही माँ गायत्री के प्रति उनकी लगन, भक्ति और समर्पण सर्वथा अनूठे थे। और जब आयु बढ़ने पर वो एक युवती बनी तो उनका प्रत्येक दिन माँ की उपासना से ही आरंभ होता था। ओम भूर्भुवस्वः तस्तवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो महाराज और महारानी तो ऐसी पुत्री पाकर धन्य हो गए होंगे, सभी दुखों और चिंताओं से मुक्त, है ना माँ? धन्य तो थे वो, किंतु चिंता मुक्त नहीं। किंतु क्यों माँ, ऐसी तेजस्विनी पुत्री पाकर उन्हें भला किस बात की चिंता थी? सूर्य देव का असीम तेज किसी को भी उनकी ओर देखने तक में असमर्थ बना देते हैं। जो योग्य होते हैं पुत्र वही उन्हें देख पाते हैं। वही दुविधा महाराज अश्वपति और महारानी मालवी की थी। उनकी पुत्री विवाह योग्य थी, किंतु उनके समान उनके योग्य तेजस्वी वर कहाँ था? कभी कल्पना भी नहीं की थी कि पुत्री का सर्वगुण संपन्न होना भी एक दुविधा उत्पन्न कर देगा। पुत्री विवाह योग्य है, लेकिन उसके लिए हमने अभी तक कोई योग्य वर नहीं ढूंढा। नाथ, समय पर पुत्री का विवाह यदि माता पिता ना करवाएं तो वो पाप के भागी होते हैं। बताइए ना नाथ, हमारी सावित्री के लिए योग्य वर कब ढूंढेंगे आप? एक पिता के लिए सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य होता है अपनी पुत्री के लिए योग्य वर चयन करना, और अब तक न तो कोई राजकुमार और न ही कोई ऋषि पुत्र मिला है जो हमारी पुत्री सावित्री के योग्य हो। और मेरी समझ में तो ये भी नहीं आता कि यदि वो मेरे समक्ष आ भी गया तो मैं उसे पहचानूंगा कैसे। तो आप ही बताइए नाथ कि उसके लिए हम किसी को कैसे ढूंढेंगे, कैसे मिलेगा हमें हमारा जमाता? रुको सखी, समस्या का समाधान ऐसा होना चाहिए कि समस्या जड़ से ही समाप्त हो जाए। ऐसे तुम इन मक्खियों को भगाओगे तो एक जाएंगी तो 50 और आएंगी। तो फिर हम क्या करें? हर समस्या का समाधान समस्या में ही छिपा होता है, बस उसे ढूंढने भर की देर। पहले इन मक्खियों को गुड़ की मिठास से एक स्थान पर आकर्षित करो, फिर अपने अनुसार इन्हें कहीं पर भी जाने पर विवश करो। बस आपको तो अवसर मिलना चाहिए अपनी पुत्री की मनी मन सराहना करने का। ऐसी पुत्री सावित्री को देखकर मन मन मुस्कुराइए मतनाथ, उसके लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास कीजिए। कितनी बुद्धिमान है हमारी पुत्री, अब हमारी चिंता वही दूर करेगी। विश्वास नहीं होता तो स्मरण कीजिए माँ गायत्री ने क्या कहा था, माता सरस्वती के समान बुद्धि होगी उसकी, और उदाहरण तो आपने स्वयं देख ही लिया कितनी सरलता से उसने ये समस्या सुलझाई। मुझे विश्वास है उस पर।
इसलिए अब मैं नहीं, वो स्वयं अपनी बुद्धि से अपने योग्य वर ढूंढ लेगी। और वो जिसका भी चयन करेगी, मैं वचन देता हूं ना नहीं कहूंगा। तो क्या महाराज अश्वपति ने माता सावित्री को ही अपना वर ढूंढने का दायित्व सौंप दिया था? हाँ पुत्र, ये अनूठी घटना पहली बार घट रही थी जब एक कन्या अपने लिए योग्य वर को ढूंढने यात्रा पर निकल पड़ी थी। माता सावित्री अपने पिता के कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ आर्यावर्त का भ्रमण आरंभ कर चुकी थी। पुष्पों की कोमलता को खड़क की कठोरता से नष्ट नहीं किया जाना चाहिए राजा। प्रभु महादेव अपने भक्तों की सच्ची भक्ति के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। और पवित्र भक्ति की कुछ ही बूंदे उनके लिए भक्ति का सागर बन जाती है, और आडंबर युक्त भक्ति का सागर भी उनके लिए कुछ भी नहीं। देवी सावित्री, आपने अनेकों राजाओं और राजकुमारों के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया, किंतु मैं, मेरा मनोहर रूप, मेरा मोहक व्यक्तित्व किसी को भी मंत्रमुग्ध कर देता है। आप मुझे मना नहीं कर सकेंगी। क्षमा कीजिए शाल देश के राजकुमार, सुंदर व्यक्तित्व का परिचय व्यक्ति के स्वभाव से होता है। किसी की ओर मंत्रमुग्ध उसकी मनोहर काया नहीं, अपितु उसका हृदय करता है। और मुझे तो ये आभास हो रहा है कि आपको ज्ञात ही नहीं है कि उत्तम स्वभाव किसे कहते हैं। शिष्टाचार का इतना भी ज्ञान नहीं है आपको, अतिथि सम्मान में अपने स्थान से खड़े तक नहीं हुए आप। जो मुझे भा जाता है उसको पा लेना मेरा स्वभाव है। आपको तो मैं पाकर ही रहूंगा राजकुमारी सावित्री, क्योंकि मेरी दृष्टि आप पर ही आकर रुक गई है। राजकुमार, पराया धन, पराया राज और पराई स्त्री को कुदृष्टि से देखने वाले की सुंदर काया में उसके हृदय की कुरूपता छिपी होती है, जो पारकी नेत्रों को स्पष्ट दिखाई देती है। मनुष्य की सुंदरता बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए, और आंतरिक सुंदरता के लिए हृदय और आत्मा का शुद्ध होना अनिवार्य है। लोग अकारण मुख और कपड़ों को देखकर उन्हें सुंदर समझने लगते हैं। मेरी दृष्टि, मेरे नेत्रों को क्या हुआ? कई माह के भ्रमण के बाद उन्हें कोई योग्य वर नहीं मिला, और यहाँ उन्होंने शाल्व देश के राजकुमार को भी अस्वीकार कर दिया। किंतु माँ, माता शाल्व देश की रानी है और हम उनसे भेंट करने उसी दिशा में जा रहे हैं, तो फिर ये कैसे संभव हुआ? धीरज रखो पुत्र, शाल्व देश की कथा अब ये समाप्त कहाँ हुई? राजकुमारी जी,
हमें यात्रा करते करते न जाने कितने माह बीत गए। अनेकों राजाओं और युवराजों से भेंट करने के पश्चात शाल्व देश ही हमारा अंतिम पड़ाव था। अब यदि हम आपके योग्य वर का समाचार लिए बिना ही पहुंच गए तो महाराज और महारानी निराश हो जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए मंत्रीवर, योग्यता राजभवनों तक सीमित नहीं होती और सच्ची योग्यता तो छिपाए नहीं छिपती। इसीलिए हमारे राजभवन पहुँचने तक आप असफलता को स्वीकार मत कीजिए और मुझे माता गायत्री पर पूर्ण विश्वास है। उनकी कृपा से इस यात्रा के अंत तक मुझे मेरे लिए योग्य वर अवश्य मिल जाएगा। अरे पूरी गठरी बिखर गई। अब क्या करूंगा मैं, सारी की सारी लकड़ियां बिखर गई। वहां माता पिताजी भूखे बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे, चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियां नहीं, व्यर्थ में ही विलंब होगा। क्षमा क्षमा कीजिए राजकुमारी, मेरी लकड़ियों से आप आहत तो नहीं होंगे? चलिए अच्छा हुआ, नहीं तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाता। आपको पता है जीवन में कुछ हो ना हो पर हमारे किसी कार्य से किसी अन्य को कोई क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी ने आपके बाप से हटा देता हूँ। माता पिता वहां बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे और जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं होंगी। शीघ्र लौटना भी तो है मुझे, व्यर्थ में ही निधन हो गया। इस साधारण जीवन का इतना असाधारण प्रभाव क्यों हुआ है मुझ पर? क्या ये मेरे लिए भविष्य का कोई संकेत है? राजकुमारी सावित्री, हमें शीघ्र यहां से प्रस्थान करना होगा। रात्रि होने से पहले इस भूभाग को पार करना होगा, आगे वन है और मार्ग अत्यधिक दुर्गम है। जी मंत्री जी। यहाँ तो कीचड़ ही कीचड़ है, पूरा जल भराव है। सैनिकों आगे बढ़िए, उस वृद्ध किसान की ठेला गाड़ी उस कीचड़ में धस गई है, आगे बढ़िए और उसकी सहायता कीजिए। इतना परोपकार भी अच्छा नहीं जिससे अपना ही जीवन संकट में पड़ जाए, मैं बहाना बना देता हूँ। महाराज की आज्ञा है, हम आपको अकेला नहीं छोड़ सकते, इसलिए हमें क्षमा कीजिए। बाबा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी सहायता करता हूं। इसका नीचे से बाहर आना बहुत ही कठिन लग रहा है। जी मैं सहायता के लिए जाता हूं। Oh, my God.
लक्कड़हारे की सूखी लकड़ियाँ तो जल में भीग रही हैं। वहाँ माता पिताजी भूखे बैठे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चूल्हा जलाने के लिए भी लकड़ियाँ नहीं हैं। देखिए आपकी लकड़ियाँ भीग रही हैं। भीगी लकड़ियों से आपका चूल्हा कैसे जलेगा? आपके माता पिता को भोजन कैसे मिलेगा? कभी कभी अपना स्वार्थ छोड़कर ऐसा काम भी करना चाहिए जिसमें अन्य सभी का भला नियत हो। मेरे माता पिता ने मुझे यही शिक्षा दी है। आज मेरी लकड़ियाँ भीग गई तो क्या, कम से कम मेरा परिवार रूखा सूखा खाकर संतोष कर लेगा। किंतु बाबा की गाड़ी नहीं निकली तो इनके परिवार को सप्ताह भर भूखा रहना पड़ेगा। गाँव वासियों को भी भूखा रहना पड़ेगा क्योंकि इनकी उगाई सब्जियों पर ही पूरा गाँव निर्भर है। इस लक्कड़हारे का हृदय कितना विशाल है जो दूसरों के सुखों के लिए अपने सुख का त्याग करे। वो संसार को बहुत बड़ी सीख देता है और उस सीख पर तो अब मैं भी चलूंगी। दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा धन्यवाद हमारा नहीं, प्रभु का कीजिए। हम तो इनकी इच्छा के निमित्त मात्र हैं। चलिए अन्यथा आपको देर हो जाएगी। जो कार्य स्वयं करे और उसका श्रेय ईश्वर को ही दे, उसकी महानता में भला क्या संदेह हो सकता है। राजकुमारी जी, आपने ये कष्ट क्यों किया? मुझे दीजिए। और आपने उस किसान की सहायता के लिए इतना कष्ट क्यों किया? देवी, मेरे माता पिता ने मुझे ईश्वर भक्ति का बहुत बड़ा पाठ सिखाया है। उन्होंने कहा है, पुत्र सत्यवान, ईश्वर की सच्ची भक्ति उनके भक्तों के कष्ट हरने में है, जो असहाय हैं उनकी सहायता करने में है। देखिए ना, आपने भी तो ईश्वर की भक्ति की, मेरी लकड़ियों को गीला होने से बचा लिया। किंतु ये भार तो मेरा होना चाहिए ना, आपका नहीं। अब मुझे अपनी सहायता करने की अनुमति दीजिए। आइए आइए राजकुमारी जी, आइए। देवी आइए, इन लकड़ियों पर पांव रखकर आगे बढ़ जाइए। राजकुमारी जी, अब मुझे आज्ञा दीजिए, क्योंकि अभी मैंने विलंब किया तो मेरे वृद्ध माता पिता मेरी चिंता में विचलित हो जाएंगे। आपका नाम सत्यवान है? कहीं आप महाराज धूमकेतु के पुत्र सत्यवान तो नहीं? आप मेरे पिताजी के नाम से परिचित हैं? हाँ, मैं महाराज धूमसेन का ही पुत्र हूँ। किंतु मेरे बाल्यकाल में मेरे माता पिता दोनों ही दृष्टि खो बैठे और उसके बाद मेरे काका राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गए और फिर उनकी इच्छा हुई कि उन्हीं का पुत्र शाल देश का उत्तराधिकारी बने और उन्होंने हमें बाहर निकाल दिया। किंतु वो राजकुमार तो राजपद के योग्य नहीं है। अब वो योग्य है कि अयोग्य है वो मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ अब वही राजपुत्र है और मेरे पिता एक लकड़हारे के पिता। किंतु वो राजकुमार तो राजपद के योग्य नहीं है। आपने उसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया? जीवन में हमें ये ज्ञात होना अति आवश्यक है कि धन समृद्धि पद इनसे भी अधिक कुछ महत्वपूर्ण होता है और मेरे माता पिता तो मेरे लिए सर्वस्व हैं। इसलिए राजपद की लालसा में
ना तो मैं अपने माता पिता की सेवा करने से चूकूंगा और ना ही उन्हें किसी संकट में डालूंगा। और वैसे भी जिस परिवार में प्रेम हो, स्नेह हो, वहाँ किसी राजपूत की क्या आवश्यकता। इसलिए हम सब बहुत प्रसन्न हैं और मेरे माता पिता तो आज ही मुझे एक राजकुमार के समान ही मानते हैं। मैं प्रतिदिन उनके स्नेह सागर में डूबकर अपने आप को तृप्त कर लेता हूँ और मुझे ये भी विश्वास है यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो वो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। देवी, मैं कहीं कुछ अधिक तो नहीं भूल गया? अच्छा देवी, मुझे आज्ञा दीजिए। फिर देवी सावित्री, सत्यवान जी के निर्मल हृदय, उनके पावन विचार और उनके निस्वार्थ सेवा के भाव से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें मन ही मन अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके माता पिता ने भी उनका चुनाव सुना और उन्होंने भी देवी सावित्री के इस निर्णय को सहर्ष स्वीकार कर लिया। किंतु क्या माँ, क्या आगे कोई अप्रिय घटना घटने वाली थी? सत्यवान सर्वगुण संपन्न थे, उनमें कोई कमी नहीं थी, किंतु ये बात उनके भाग्य के बारे में नहीं कही जा सकती। उसमें एक कमी थी जो उनके अन्य सभी गुणों को निरर्थक बना रही थी। पुत्री, सत्यवान के वचन सार्थक हो, तो जिसके योग्य है वो उसे अवश्य मिलेगा। लेकिन भले ही वो धन से समृद्ध नहीं है, किंतु उसके पास संस्कारों की संपत्ति है, इसलिए मुझे भी तुम्हारे निर्णय पर विश्वास है। मैं अभी उसके माता पिता के पास सत्यवान से तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव भेजता हूँ। रुके महाराज अशोकपति। प्रणाम देवश। प्रणाम देवश। नारायण नारायण। सत्यवान के बारे में एक सत्य जानना आप सभी के लिए आवश्यक। ऐसा कौन सा सत्य है उसके विषय में जो मेरी दृष्टि से छिपा है? निसंदेह निर्मल व्यक्तित्व है उसका। जैसा अंतर है वैसा ही आचरण भी है। पुत्री सावित्री के लिए प्रत्येक रूप से योग्य भी है, किंतु एक चिंता का विषय भी है। वो अल्पायु है, उसके भाग्य में लंबा जीवन नहीं है। सत्य तो ये है कि सत्यवान के पास केवल एक वर्ष की आयु ही शेष है। पुत्री, देवर्षि के मुख से निकले शब्द असत्य नहीं हो सकते, इसलिए तुम्हें तुम्हारा निर्णय बदलना होगा। हम तुम्हें इस विवाह की अनुमति नहीं दे सकते। माँ, माँ निर्णय कठिनाई को देखकर बदले नहीं जाते, और जिसे मन से अपना मान लो उसका साथ उसके भाग्य को देखकर छोड़ा नहीं जाता। और सत्यवान जी को तो मैं मन ही मन अपना पति मान चुकी हूँ। और एक स्त्री जब एक बार अपने मन मंदिर में किसी को स्थान दे देती है तो फिर वो स्थान किसी और को देना असंभव है। किंतु पुत्री, मेरा मन इस संबंध को स्वीकार नहीं कर सकता। एक वर्ष के पश्चात क्या होगा ये सोचकर मेरा मन सिहर सा जाता है। मैं तुम्हारा कन्यादान कैसे कर पाऊंगा ये जानते हुए कि तुम्हारा सौभाग्य एक वर्ष के बाद बिखर जाएगा। पुत्री, संसार में वो एक व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे योग्य होगा। तुम एक बार फिर यात्रा पर जाओ, इस बार तुम्हें सत्यवान से भी अधिक योग्य वर मिल जाएगा।
जो पुरुष अभिमान और स्वार्थ से रहित हो, जो अपने माता पिता की सेवा के लिए संपदा और ऐश्वर्य को त्याग कर एक सरल और साधारण जीवन को अपना सौभाग्य मानता हो, जो राज पुरुष होकर भी एक साधारण से जीवन में प्रसन्न हो, जिसकी निष्ठा और सेवा भाव अनुपम हो, ऐसे पुरुषार्थ से युक्त योग पुरुष और उनके अलावा और कौन है भला और कहां मिलेगा? और यदि फिर भी आपको लगता है कि आपकी पुत्री के भाग्य में उनसे भी अधिक योग्य और कोई होगा, और यदि है भी, तो मैं पूर्व में ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं मन से उनको अपना पति मान चुकी हूँ, उन्हीं को अपना सर्वस्व निछावर कर चुकी हूँ, तो ये मैं कैसे बदल सकती हूँ? किंतु पुत्री, ये भी तो सत्य है कि वो अल्प आयु है, ये भी तो बदला नहीं जा सकता। तुम इस दुर्भाग्य के योग्य नहीं हो पुत्री। यदि मेरे कर्म अच्छे होंगे तो मुझे अवश्य मिलेगा जिसके मैं योग्य हूँ। मैंने तो निश्चिंत कर लिया है पिताश्री कि सत्यवान जी ही मेरे जीवन के आधार होंगे। अब इसके लिए यदि मुझे नियति से भी लड़ना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। सत्य तो ये है, वो अल्पायु है। सत्यवान के पास केवल एक वर्ष की आयु ही शेष है। तुम इस दुर्भाग्य के योग्य नहीं हो पुत्री। पिताश्री, व्यक्ति का भाग्य उसके कर्म निर्धारित करते हैं, और आपने भी तो ये स्वीकार किया था कि हमें जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारी योग्यता के आधार पर प्राप्त होता है। तो फिर यदि मेरे कर्म मुझे इस दुर्भाग्य के नहीं सौभाग्य के योग्य बनाते हैं तो फिर मुझे सौभाग्य ही मिलेगा ना। मैं उन्हें एक ही वर्ष में खोने पर विवश नहीं होंगी। किंतु पुत्री। पिताश्री, मेरा यात्रा करना, यात्रा पर उनसे भेंट करना, मेरे हृदय में उनका स्थान बनना, ये सब मेरा भाग्य ही तो है। या ईश्वर की कृपा, तो मैं व्यर्थ चिंता क्यों करूं? मैं तो बस अपना कर्म करूंगी और अपने कर्म से अपने भाग्य को अपने सौभाग्य में परिवर्तित करूंगी। और पिताश्री, यदि देवर्षि नारद यहाँ आकर आपको सत्यवान जी की अल्प आयु के बारे में नहीं बताते तो क्या तब भी आप मेरे विवाह प्रस्ताव को अस्वीकार करते? पुत्री, कर्म तभी सार्थक होता है जब उसे योग्य दिशा में किया जाए। मरुस्थल में भूमि खोदने से जल की प्राप्ति नहीं होती पुत्री। सामने खाई हो तो खाई में कूदा नहीं जाता, बल्कि रुक कर अपनी रक्षा की जाती है। और मेरी पुत्री दुर्भाग्य के खाई में कूदने का निर्णय ले रही हो, वो मैं उसे कैसे करने दूं? पिताश्री, जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं वो खाई में कूद कर भी जीवित बाहर निकलते हैं। भविष्य के पलों की चिंता में अपना वर्तमान व्यर्थ करने का क्या लाभ? और फिर वैसे भी भविष्य में क्या है ये कौन जानता है? संभव है उनके भाग्य में अल्प आयु होना लिखा हो, किंतु ये भी तो संभव है कि मेरे भाग्य में मेरे पति दीर्घ आयु हो। किंतु पुत्री। पिताश्री, आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे निर्णय को स्वीकार करेंगे। वो स्वयं अपनी बुद्धि से अपने योग्य वर ढूंढ लेगी, और वो जिसका भी चयन करेगी। मैं वचन देता हूँ।
ना नहीं कहूंगा। परंतु पुत्री, माँ, माँ, एक माँ का हृदय कितना विशाल और कोमल होता है ये मैं भली भांति जानती हूँ, और आप एक माँ होकर एक माँ के हृदय को समझने में असमर्थ हो रही हैं। माँ, मैं आपको माता गायत्री के वरदान से प्राप्त हुई हूँ, और आप उनकी ही कृपा पर संदेह कर रही हैं। जैसे आप माँ होकर मुझे दुखी नहीं देख सकती, वैसे ही मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता भी आपको दुखी नहीं होने देंगी। इसीलिए माँ, मुझे सत्यवान जी से विवाह करने की अनुमति दीजिए। नारायण नारायण, पुत्री सावित्री का ये अटूट आत्मविश्वास अवश्य प्रभावित करने वाला है। उसका ये अटूट आत्मविश्वास विपरीत संजोगों को भी अनुकूल बना सकता है। कदाचित ये विवाह नियति की ही योजना तो नहीं। तो क्या महाराज अश्वपति ने अनुमति दे दी? नारी के निश्चय के दृढ़ता के आगे कोई भी नतमस्तक हो जाता है। माता सावित्री के आत्मविश्वास को देखकर महाराज को भी उनकी इच्छा के आगे झुकना पड़ा, और शुभ मुहूर्त देखकर उन्होंने माता सावित्री और सत्यवान जी का विवाह संपन्न करवा दिया। पुत्र के रूप में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ये राजपाट, इसकी लालसा, इसका आकर्षण अब मुझ में नहीं रहा। मेरी इच्छा है कि मैं ये सब कुछ तुम्हें और अपने जामाता सत्यवान को ही सौंप दूं। नहीं पिताश्री, आपके मन के भाव में और मेरे स्वामी भली भांति समझते हैं, किंतु आपसे ये भेंट स्वीकार करना मेरे पति और उनके परिवार के लिए अपमान होगा। मैंने उनकी वर्तमान आर्थिक स्थिति को जानकर ही उनसे ये विवाह किया है, इसीलिए अब उसी में रहना, उसे स्वीकार करना ही मेरा धर्म है। पिताश्री, आप बस मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ महाराज अश्वपति, पुत्री सावित्री ने सदा उचित ही कहा है। जीवन के सभी धनों से अमूल्य धन तो संतोष है, और जो संतुष्ट है वो जीवन के उतार चढ़ाव में भी प्रसन्न है, उसे अभाव भी नहीं सता पाते, और जो असंतोष से ग्रसित है उसके जीवन में ऐश्वर्य और धन होते हुए भी खालीपन है। मुझे पुत्र वधु के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई है, ऐसे संबंध में धन की कामना करना किसी को भी शोभा नहीं देता, क्योंकि किसी भी संबंध में धन का लेन देन उसे संबंध कहां रहने देता है,
वो तो एक व्यवसाय बन जाता है, और ये हमारे पुत्र के प्रति, हमारे स्नेह के प्रति कितना बड़ा अपमान होगा। महाराज, मैं आपको वचन देता हूं, आपकी पुत्री को कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, और यदि इनके भाग्य में राज्य योग होगा तो इन्हें अवश्य मिलेगा। किंतु पुत्र, तुम्हारे पास कुछ भी अधिक करने का समय कहाँ है? एक वर्ष का ही तो जीवन शेष है तुम्हारा। माता सावित्री की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। जीवन अवधि कम होने पर भी उन्होंने सत्यवान जी से विवाह में तनिक भी संकोच नहीं किया और उनके अनुसार जीवन जीने का चुनाव कर लिया। सत्य कहा पुत्र। देवी सावित्री ने राजभवन के सुख त्याग कर कुटिया में साधारण जीवन ही नहीं अपनाया था, अपितु अपने पति के जीवन के प्रत्येक पहलू को स्वीकार कर लिया था। वो भी सत्यवान जी के माता पिता की सेवा करने लगी और उनके पति ने भी उन्हें बहुत स्नेह दिया। उन्हें कभी कोई कष्ट न हो उसका ध्यान रखने लगे। किंतु शंका के जो विचार देवर्षि नारद ने उनके मन में बो दिए थे वो तो अब भी उनके मन में थे, किंतु उन्होंने कभी उन विचारों को वाहन नहीं आने दिया। दिन भर वो सभी के साथ रहकर सदैव मुस्कुराती रहती थी। पुत्री, तुम्हारे आगमन से तो ये कुटिया भी राजभवन के समान हो गई है, अब तो राजपाट की भी याद नहीं आती। दुख तो लेश मात्र नहीं रहे अब। तुमने तो पुत्री जैसे सारे दुखों को इस कुटिया से बाहर ही कर दिया है। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पहले एक बार स्वयं तुम्हें अपनी नेत्रों, अपनी दृष्टि से देख पाती। माँ, आपने अपने हृदय में मेरी जो छवि बनाई है, मान लीजिए मैं सर्वथा वैसी ही हूँ। उन्हें ज्ञात था कि उनके परिवार में सबके हृदय में क्या चल रहा था, किंतु उनके मन का उथल पुथल कदाचित किसी को ज्ञात नहीं था। भोर होने पर सभी के उठने से पहले सबसे छिपाकर ब्रह्म मुहूर्त में ही वो वट वृक्ष के पूजन कर लेती थी, जिससे परिवार में कभी किसी को कोई चिंता ना हो। आयु प्रदान करने वाले दिव्य वट वृक्ष, मेरे पति, मेरे स्वामी को दीर्घ आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए। सावित्री, सावित्री, स्वामी, जब रात्रि में सब निद्रा में खो जाते तो वो अपने स्वामी की दीर्घायु के लिए माँ गायत्री की पूजा करती। उन्हें सदा ध्यान रहता कि एक वर्ष में कितने दिन बीत चुके थे और कितने शेष थे। हे माँ, मेरे स्वामी को दीर्घ आयु प्रदान करने की कृपा कीजिए। और इसी प्रकार समय बीतता चला गया। वो पूरी भक्ति और विश्वास से दिव्य वट वृक्ष
और माता गायत्री की पूजा करती रही। माँ, अब तो वर्ष समाप्त होने में 4 ही दिवस शेष है। माँ, मुझ पर कृपा कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए, मेरे स्वामी को दीर्घायु प्रदान कीजिए। माँ, उठो पुत्री। माँ, माँ आप आ गई, आपने मेरी पुकार सुन ली। माँ, अपनी संतान की गुहार माँ अवश्य सुनती है। मुझे तुम्हारे कष्ट का कारण ज्ञात है पुत्री। तुम्हारे पति के जीवन की 4 ही दिन शेष है। माँ, किंतु पुत्र, एक पति धन परायणा में नियति को बदलने की शक्ति होती है। कैसे माँ, बताइए क्या करूं मैं इस नियति को बदलने के लिए? पुत्री, अगले 3 दिन जेठ माँ की 13, 14 और पूर्णिमा है। अखंड व्रत के लिए सर्वोत्तम दिन है ये। यदि तुम वट वृक्ष के सामने अन्न जल त्याग कर 3 दिन का उपवास करो और 4th दिन पारण करो, यदि तुम अपने इस व्रत में सफल हो तो तुम अन्य पति व्रताओं के समान संसार में एक अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करोगे। हाँ माँ, हाँ, मैं अवश्य ये व्रत करूंगी, अवश्य करूंगी ये व्रत। माँ, पुत्री क्या हुआ? पुत्री, माँ, माँ, पुत्री क्या हुआ? पुत्री सब कुशल तो है? तो ये मात्र मेरा एक स्वप्न था। कुशल है और सब कुशल ही रहेगा। आइए माँ। अब एक ओर देवी सावित्री अपने पति और अपने सास ससुर की अनुमति से 3 दिनों के निर्जला व्रत में लीन हो गई। ओ किंतु दूसरी ओर यमराज भी अपने कर्तव्य और दायित्व के प्रति सजग थे और माता के व्रत में विघ्न डालने वाले थे। हे यमदेव, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आज ही जाकर सत्यवान का प्राण ले लूं। मूर्ख, धर्मराज की सभा में धर्मोचित वचन ही शोभा देता है। यहाँ पर अधर्म की कोई भी बात मान्य नहीं। समय आने पर ही किसी के प्राण लिए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। और सत्यवान के जीवन के तो अभी भी 3 दिन शेष हैं। किंतु प्रभु, इन 4 दिनों में उनके पतिव्रता पत्नी का व्रत संपन्न हो गया तो हम ये धर्मोचित कार्य नहीं कर सकेंगे। पति धर्म परायणा, जब एक पति धर्म परायणा साध्वी के वचन के विरुद्ध सूर्यदेव उदित नहीं हो सके तो आप एक अन्य पति धर्म परायणा साध्वी द्वारा रचित सुरक्षा कवच को कैसे भेज सकते हैं? पति धर्म परायणा नारी के सामर्थ्य का ज्ञान तो मुझे पहले भी मिल चुका है। जाओ, इतनी कड़ी परीक्षा लो देवी सावित्री की कि उनका 3 दिनों का अखंड व्रत पूर्ण ना हो पाए। यही उनकी पति धर्म परायणता की परीक्षा है। इस प्रकार जो व्रत देवी सावित्री ने आरंभ किया था उसी में
बाधा डालने का निश्चय यमराज ने किया और देवी सावित्री के पास तो बस यही 3 दिन थे। मेरी गर्जना से कंपित हो जाएगी ये देवी, भंग हो जाएगा इनका व्रत। कदाचित इतनी सरलता से नहीं होगा ये कार्य, मुझे और शक्ति का प्रयोग करना होगा। कौन है यहाँ? किसकी गर्जना है ये? पति का कर्तव्य है कि पत्नी की रक्षा हर क्षण और किसी भी अवस्था में करे, इसलिए जब तक सावित्री अपना व्रत कर रही है तब तक मुझे यहीं खड़े रहकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। मेरी गर्जना से भयभीत नहीं हुई तो क्या हुआ, बेसुरे संगीत से तो होगी। आ गया। कहां से आ रहे हैं? इधर सत्यवान जी यमदूत को ढूंढ रहे थे, उधर यमदूत माता के चारों ओर घूमकर कर्कश ध्वनि उत्पन्न करते करते थक रहे थे, किंतु माता का ध्यान तो स्थिर था, उन पर इस पूरे क्रियाकलाप का, इस ध्वनि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनकी एकाग्रता भंग नहीं हुई। और फिर एक समय आया जब ये ध्वनि स्वयं यमदूत के लिए ही असहनीय हो गई। ये मेरे बस में नहीं है, यहाँ रहा तो मेरा ही अनिष्ट होगा, मुझे यमदेव को जाके बताना होगा। भयंकर कर्कश ध्वनि तो रुक गई। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै।
ओम तो स्वयं में संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसका विस्तार तो अनंत है। इस अनहद ध्वनि का संबंध सीधा परमात्मा से है। ओम सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, इसमें त्रिदेव का वास है। भूलोक, वलोक और स्वर्गलोक इसके प्रतीक मात्र हैं। धन्य हो सावित्री, जो तुमने ओम का उच्चारण कर सब कुछ ठीक कर दिया। सत्य है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हो, उसे मेरी रक्षा की क्या आवश्यकता। तुमने एक दिन पूर्ण व्यर्थ कर दिया, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही चाहिए। क्षमा प्रभु क्षमा, मैंने पूरा प्रयास किया, किंतु उन देवी की अखंड व्रत की दृढ़ता के आगे मैं विवश हो गया। अभी दो दिन और हैं व्यर्थ करने के लिए। नहीं नहीं, मेरा अर्थ है अभी दो दिन और है और प्रयास करने के लिए। आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा, इस बार मेरे पास और भी उत्तम युक्ति है। कल ऐसा दुर्गंध फैला दूंगा वहां कि कोई टिक नहीं सकेगा। देवी सावित्री को वहां से जाना ही होगा। नहीं सही जा रही है, उससे भला ये कैसे सह सकेगी। मेरे पास यदि तब भी उनका ध्यान भंग नहीं हुआ तो मैं मधुमक्खियां भेज दूंगा। जब उनके शरीर को काटेंगी तब उनकी पीड़ा से उन देवी की एकाग्रता अवश्य भंग होगी। जाओ जाओ, और अगली बार यहां आने से पूर्व अच्छी तरह से स्नान करके आना। मेरी ये युक्ति विफल नहीं हो सकती। ये क्या हुआ? ये कैसा विपरीत आचरण है? इन मधुमक्खियों का उन पर चढ़ने के स्थान पर ये तो जैसे उनका चरण स्पर्श कर लौट रही है। यमदेव, अभी एक ब्रह्मास्त्र युक्ति है मेरे पास। उस संपूर्ण स्थान को ऐसे धूम्र से भर दूंगा कि सांस लेना भी कठिन हो जाएगा। कुछ सफल हो या ना हो, किंतु यह युक्ति असफल नहीं हो सकती, क्योंकि सांस के बिना जीवन नहीं, और अपने जीवन की रक्षा तो हर कोई करता है। उचित है, जाओ। धूम्र ही धूम्र होगा चारों ओर। तू दिखाई भी नहीं दे रही है, कदाचित धूम्र से प्रभावित होकर वो यहां से चली गई। इन्हें तो अभी भी कुछ नहीं हुआ और ये घूमर मुझे ही प्रभावित कर रहा है। यमदेव के दूत हो तुम, और एक छोटा सा कार्य नहीं कर पाए। तुमने दूसरा दिन भी व्यर्थ कर दिया और अपनी दुर्दशा कर दुर्गंध लेकर मेरे सामने आ गए। आज जो नहीं हुआ यमदेव, वो कल होगा, मेरा विश्वास कीजिए।
कल मैं अचूक उपाय का प्रयोग करूंगा, मेरा विश्वास कीजिए। नहीं, कल तुम नहीं, मैं स्वयं जाऊंगा। क्षमा कीजिए देवी, धर्म कर्तव्य कठोर होता है, वो किसी भावना के अधीन नहीं होता। आपका व्रत धर्मराज के धर्म की बाधा बन रहा है, इसे तो भंग करना ही पड़ेगा। अब देवी सावित्री कदापि स्थिर नहीं रह सकेंगी। आश्चर्य, देवी सावित्री में स्वयं माता गायत्री के दर्शन हो रहे हैं। यमदेव कुछ कीजिए प्रभु, दिन बीता जा रहा है। अरे आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं प्रभु? प्रभु यमदेव अपनी तंद्रा भंग कीजिए और इनका व्रत भी। सूर्यास्त होने ही वाला है, तब तक इनका व्रत भंग नहीं हुआ तो ये अपने व्रत में सफल हो जाएंगे और हम इनके पति के प्राण नहीं ले सकेंगे। हे धर्मराज, आप अपना धर्म निभाने में असमर्थ हो जाएंगे। ये कैसा भ्रम हुआ था मुझे? किंतु अब तो आप अपने भ्रम से जाग गए। सोच विचार मत कीजिए धर्मराज, कुछ कीजिए, देखिए सूर्यास्त होने को है। तो अब भी सुरक्षित हैं। विश्वास नहीं होता, मेरा यह प्रयास विफल कैसे हो गया? अटूट आत्मविश्वास और धर्मनिष्ठ आचरण विपरीत संयोग को भी अनुकूल बनाने का सामर्थ्य रखते हैं।